Hey Koreans Again viewers, this is Megha और आज हम बात करने वाले हैं Road Home के episode 5 की. So, let's get started. किसके बाद चैन कुछ खाने के लिए बाहर निकलता है? शाओ शौक में रहती है मनी मन, मुस्कुराती है. जैसे ही चैन खाने का सामान लाता है, शाओ उसके साथ किचन में जाती है. पर चैन उसे वहीं रोककर कहता है, अंदर गंदा है, तुम अंदर चली जाओ और मूवी देखो. जैसे ही सब हो जाएगा मैं ले आऊँगा. शाओ कहती है, मैं तुम्हें कुकिंग करते हुए देखना चाहती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ. चैन कहता है, तुम हर चीज में क्यूरियस हो, मैं साफ करके आता हूँ. चैन किचन में चला जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, जाओ अंदर जाके खा लो. शाओ रूम में जाकर बारबेक्यू डिश खाती है और कहती है, ये बहुत स्पाइसी है, तुम खाओगे क्या? चैन मना करता है. तभी शाओ खा कर किचन में आ जाती है. चैन कुकिंग की प्रिपरेशन करता है. शाओ उसे बैक हग कर लेती है और कहती है, क्या बना रहे हो? चैन कहता है, तुम क्या खाओगी? शाओ अपनी डिश बताती है. चैन डिश बनाता है. शाओ उसे बनाते हुए देखती है. दोनों का एक स्वीट मोमेंट होता है. दूसरे ही दिन शाओ गैराज में चैन के पास पहुंचती है. चैन कार को रिपेयर करता है. शाओ उसे देखती है और बहुत खुश होती है. चैन कहता है, रूम में चली जाओ. शाओ मना करके कहती है, मैं तुम्हें काम करते हुए देखना चाहती हूँ. चैन कहता है, ठंड है यहाँ. शाओ अपना हाथ देती है. चैन उसका हाथ पकड़ता है. तभी गैराज का वर्कर आता है. शाओ उसे देखकर कहती है, मैं रूम में जा रही हूँ. वो भाग कर जाती है. चैन उसे देखकर बहुत खुश होता है. यहाँ शाओ मैगजीन पढ़ती है, फिर वो टीवी पे मूवी चलाती है. फाइनली वो मूवी देखती है. तभी वहाँ चैन आ जाता है. शाओ के हाथ से रिमोट छूट जाता है. वो टीवी देखकर शाओ की तरफ देखता है. शाओ कहती है, कल मैंने इसकी एंडिंग नहीं देखी थी. चैन मुस्कुराकर कहता है, चलो हम खाते हैं और आगे से ऐसी मूवी मत देखा करो, ज्यादा अच्छे से पढ़ो. शाओ कहती है, मुझे नहीं पता था ऐसे सीन्स होंगे इसमें. चैन के जाने के बाद शाओ शर्मा जाती है. चैन के पुलिस अकेडमी में जाने का टाइम आता है. शाओ कहती है, याद से कॉल करना, पिछली बार मैं तुमसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई थी. चैन कहता है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, वहाँ सिग्नल भी नहीं थे. शाओ कहती है, मैं जानती हूँ, पर फिर भी तुम कॉल करना. चैन शाओ को प्यार करता है. 2020 प्रेजेंट, यहाँ नान सोता है. शाओ उसका ख्याल रखती है. जैसे ही रू कुछ कहती है, शाओ उसे वहीं रोक देती है. बाहर आकर रू शाओ से फर्स्ट लव के बारे में पूछती है. शाओ मना करती है. रू पूछती है, क्यों? तुमने उससे पूछा? तुम्हारे साथ एक बच्चा है, तुम्हें उसे कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए था. शाओ कहती है, उसका प्रोफेशन ही ऐसा है, वो कभी भी गायब हो जाता है, तो मैं उसे कॉन्टेक्ट कैसे करूं? जब वो आएगा तो वो खुद ही मुझे इन्फॉर्म कर देगा. यहाँ जाओ मिंगशान का आमना सामना हाइडोंग से होता है. मिंगशान उसे बातों ही बातों में बच्चों की तरह रहने के लिए ताना मारती है. तभी चैन आता है और मिंगशान को अवॉइड करके चला जाता है. मिंगशान और चैन की मदर एक दूसरे का हाल चाल लेती है. जैसे ही मदर मिंगशान को पानी देने को कहती है, चैन कहता है, मैं जा रहा हूँ, बहना आती ही होगी. चैन माँ से चला जाता है. कार में हाइडोंग पूछता है, तुम्हारा मिंगशान के साथ क्या रिलेशन है? क्या तुम साथ हो? बट मुझे नहीं लगता. चैन कहता है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी. हाइडोंग कहता है, मिंगशान का 2 साल पहले डिवोर्स हो गया, वो चालाक है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया. चैन कहता है, तुमने शाओ की बहन शान को डिसअपॉइंट किया क्योंकि तुम उसे संभाल नहीं पाए. हाइडोंग एग्री करता है और कहता है, सारी गलती मेरी है. वो फाइनली गैराज पहुँचते हैं. सभी गैराज के लोग चैन से मिलने आते हैं. वो सभी पार्टी के लिए निकलती हैं. वहाँ अंकल लू कहता है, तुम यहाँ शादी के लिए आए हो? हैदर पूछता, वो लड़की कौन है? शीनिंग की है क्या? चैन कहता है, मुझे शादी नहीं करनी. अंकल लू कहता है, अगर तुम अपने डैड की नहीं सुनोगे तो वो अलाउ करेंगे क्या? हैदर कहता है, इतना सस्पेंस, बताओ मुझे यहाँ हो क्या रहा है. दूसरा अंकल बताता है, लू चैन के फादर ने 1 मिलियन से ज्यादा का कर्ज जाओ की फैमिली से लिया और वो कर्ज टाइम पे वापस नहीं कर पाए. बाद में उन्होंने अपनी बेटी और चैन की शादी के लिए कहा. उनकी बेटी ने कहा, लू चैन और वो दोनों ओल्ड क्लासमेट हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, सो उसने शादी के लिए हाँ कह दिया. हैदोंग पूछता है, क्या वो मिंगशान है? अंकल कहता है, तुम्हें कैसे पता? हैदोंग कहता है, मैं नहीं जानूंगा क्या? अंकल कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड पुट्टे हो गए हैं, अब वो तुम्हें मार भी नहीं सकते, पर तुम्हें उनका कर्ज चुकाना तो होगा क्योंकि तुम उनके बेटे हो. अगर तुमने नहीं चुकाया तो बात तुम्हारी बहन तक जाएगी. चैन कहता है, मैं कोई ना कोई सलूशन देख लूंगा. यहाँ शाओ नान से कहती है, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी,
शैतान कहता है मैं खुद कर लूंगा। शाओ मुस्कुराकर कहती है ठीक है तुम मेरे भी दो देना। नान कहता है अब दे दो। शाओ नान को छेड़ते हुए कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हें नौकर बनाना नहीं चाहती हूँ, मैं मशीन से धो दूंगी। नान मुंह बना के अंदर चला जाता है। शाओ चैन को मैसेज करती है कि मैं दो दिन में बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही हूँ, नान का ख्याल मैं रख नहीं पाऊंगी, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उसे ले जाओ। पर शाओ ये मैसेज सेंड नहीं करती क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर में नान का ख्याल कौन रखेगा अगर वो किसी के घर पे भी नान को छोड़ के जाएगी। तभी उसे उसके क्लासमेट का कॉल आता है, वो उससे मिलने की बात करता है। शाओ कहती है मैं काम में बहुत बिजी हूँ। क्लासमेट कहता है तुम्हें पता है जाओ मिंगशा है ना, वो चैन दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए चैन दो दिन पहले लौटा है। शाओ सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है क्या लू चैन वापस आ गया। क्लासमेट कहता है जाओ की फैमिली ने शादी की प्रिपरेशन भी कर ली है, उन्होंने तुम्हारी बहन शान की यहाँ रेस्टोरेंट भी बुक कर लिया, तुम उससे क्यों नहीं पूछती। शाओ कहती है मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। शाओ उदास होती है जैसे ही वो कपड़े उठाकर गेट बंद करती है, उसका हाथ गेट के बीच आ जाता है, वो दर्द में रोती है। वो कमरे में जाकर चैन को मैसेज करती है मैंने सुना तुम बीजिंग आ गए। चैन उसे कॉल करता है पर शाओ उठाती नहीं है, वो साइड में बैठकर दुखी होती है। चैन उसे बार बार कॉल करता है पर शाओ उसका कॉल उठाती नहीं है और मन ही मन सोचती है उसने एक फेवर ही तो मांगा था और मैंने एंग्री किया और उसे मैंने कंप्लीट किया, अब क्या फायदा, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। वो फाइनली चैन को कॉल करती है। चैन कहता है सॉरी घर में कुछ अर्जेंट था, मैं घर दो दिन पहले आ गया और मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल था। शाओ कहती कोई बात नहीं मैं दो दिन में बीजिंग से बाहर जा रही हूँ और नान को किसी का घर छोड़ना ठीक नहीं, मैंने सुना कि तुम वापस आ गए हो सो तुम उसे कब लेकर जा रहे हो। चैन कहता है तुम जा रही हो। शाओ कहती है मैं कल नान को लेकर आती हूँ ठीक है। चैन थैंक यू कहता है। शाओ कहती है कोई बात नहीं इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। कॉल कट हो जाता है। शाओ और चैन दोनों दर्द में होते हैं। चैन को शाओ के फ्लैशबैक्स याद आते हैं, वो उसकी बातों को याद करके रोता है। वो उठकर पानी पीता है तभी हायदोंग वहाँ आता है और कहता है तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही है, क्या तुम्हारे डैड से तुम्हारी फिर से लड़ाई हुई है। चैन मना करके कहता है बस मुझे पुरानी बातें याद आ गई। हायदोंग कहता है पुरानी बातें उनमें दो शाओ होगी, तुम उसे क्यों याद कर रहे थे और तुमने उसे ब्रेकअप क्यों किया, मैं अब तक नहीं समझा। जब मैंने शाओ शान से ब्रेकअप किया गलती तो मेरी थी, तुम्हारा क्या था। चैन कहता है गलती मेरी थी, उस वक्त वो एक लड़की थी जो अपना प्यार सिर्फ फोन के जरिए दिखाया करती थी, वो ना तो मुझे देख सकती थी और ना ही मुझे छू सकती थी, अजीब है ना। एक्चुअली जब मैं उससे मिल नहीं पा रहा था तब मैंने भी उसे बहुत मिस किया, जब भी उसके मुंह से मैं लूचैन सुनता था और जब मैं उससे फोन पे बात करता था तब मुझे लगता था ये दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज है। हायदोंग कहता है बस करो तो मुझे दुखी कर रहे हो, नॉर्मली अब तक तो उसकी शादी हो जानी चाहिए थी और उसका बच्चा बड़ा होता। चैन उठकर चला जाता है। हायदोंग पूछता है कहाँ जा रहे हो, चैन कहता है नहाने। हायदोंग कहता है ठंडे बाहर हीटर भी नहीं है, ठंड से मरना चाहते हो क्या। चैन मुस्कुराते हुए कहता है शीनिंग में मैं बर्फ से नहाया करता था, अब ठंड से डर नहीं लगता, मैं बाद में कार फिक्स करने जाऊंगा। हायदोंग कहता है जब भी ये दुखी होता है कार फिक्स करता है, ये अब तक नहीं बदला। दूसरे ही दिन नान कहता है जब मैं यहाँ आया सिर्फ एक ही बैग था, अब मैं जा रहा हूँ देखो कितना सारा सामान है, डैड कहीं मुझे ना डांटे। शाओ कहती है ऐसा नहीं है, ये सभी तुम्हारी जरूरत का सामान है, जब तुम स्कूल जाओगे तुम अंकल लू से मिलने वाले हो, खुश हो क्या। नान एग्री करता है। फाइनली वो लोग गराज पहुँचते हैं, वो लोग गराज के ऑफिस में जाते हैं। अंकल कॉल पे लू चैन को अंदर से बुलाने को कहता है। नान पूछता है क्या ये अंकल का इतना बड़ा गराज है। शाओ एग्री करती है। तभी वहाँ चैन आता है और पूछता है तुमने खरीदा है ये। शाओ एग्री करती है। शाओ कहती है नान के पास ज्यादा सामान था तो मैंने खरीद दिया। चैन उससे सामान ले लेता है बट नान शाओ का हाथ खींचकर अंदर गराज में ले जाता है। नान टॉयलेट के लिए चला जाता है। शाओ चैन रूम में पहुँचते है। चैन कहता है यहाँ सर्दी है कोट मत उतारना। शाओ कहती है मैंने नान के लिए प्राइवेट स्कूल देख लिया है, मेरा कजन तुम्हें स्कूल ले जाएगा, मैंने उसकी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया है, बचा हुआ सामान तुम देख लेना बस यही। चैन लाइटर जलाता है और मुड़कर पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। शाओ कहती है मैंने सुना तुम शादी करने जा रहे हो,
जैन एग्री करता है। चाओ पूछती है कब है शादी। जैन कहता है अगले महीने। चाओ कंग्रेचुलेशन कहती है। नान बाहर से सब सुनकर अंदर आता है और शाओ को पुकारता है। शाओ कहती है तुम्हारे अंकल की शादी है, बाद में वो बिजी हो जाएंगे और जो भी मैंने तुम्हें कहा वैसा करना। ट्रांसफर प्रोसेस में टाइम लगता है, कुछ टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। वो नान को प्यार से सहलाती है और जाने को कहती है। जैसे ही वो जाती है जैन उसे रोक कर कहता है कितना हुआ सूटकेस का। शाओ 100 रुपए बताती है। जैन उसे कुछ पैसे देकर कहता है ये बैग, स्कूल यूनिफॉर्म और उसका जब वो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुका। थैंक यू फॉर हेल्प। जाओ कुछ अमाउंट लेकर कहती है बस इतनी ही जरूरत है, आफ्टर ऑल शीनिंग में तुमने मेरी हेल्प भी तो की थी। तभी वहाँ मिनशान आकर कहती है जैन तुम आ नहीं रहे, तुम शाओ हो ना। मैं जाओ मिनशान, तुम पहले से अच्छी हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम चैन की वही फ्रेंड हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में चैन की मदर से सुना। ये इतने साल हमेशा बाहर ही रहा है, मैं इसके कभी भी फ्रेंड से नहीं मिली। सो मैं उस फ्रेंड से मिलने चली आई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम होंगी। क्या ये तुम्हारा बेटा है। चाओ कहती है ये चैन की कॉमरेड का है, उन्होंने स्कूल की ट्रांसफर में मेरी हेल्प मांगी थी। मिनशान कहती है लूचैन ने नहीं बताया। चाओ कहती है मैं अब चलती हूँ। मिनशान उसे रोकते हुए लंच साथ में करने को कहती है। चाओ मना करती है और कहती है मुझे चाओ चांद से मिलना है। मिनशान कहती है तो फिर रहने दो। चाओ चैन को देखकर चली जाती है। रास्ते में अंकल उसे रोककर कहता है चाओ तुम आने वाली थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए फिश लाया हूँ। चाओ उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। चाओ अपनी कार में बैठती है और जैसे ही वो अपनी कार मोड़ती है उसकी कार दीवार पे लग जाती है। ऑफिस का अंकल आता है और कहता है तुम ठीक हो, ये टूट गया है, यही रिपेयर करा लो। जैसे ही वो किसी को बुलाने जाता है चाओ उसे रोक कर मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जैन बैठा होता है, नान का मुंह बनता है। मिनशान कहती है यहाँ हीटर नहीं है। अरे तुम्हारे डैड ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, ये सूटकेस तो बहुत महंगा है। नान जैन को मार कर कहता है तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या। जैन उठकर चला जाता है। चाओ एक जगह पहुँचती है और मनी मन दुखी होती है। वह शाओशान को कॉल लगाती है और कहती है मुझे बहुत भूख लग रही है। शाओशान पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम्हें कुछ जरूरत है। चाओ मना करती और कहती है मुझे बस भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तुमने मुझे खाने को कहा था ना। शाओशान पूछती है कहाँ हो तुम। चाओ कहती है नदी किनारे। जैसे ही शाओशान भागती है उसका हस्बैंड कहता है मुझे पता था तो मेरे लिए आई हो। शाओशान कुछ इम्पोर्टेंट कहकर वहाँ से चली जाती है। चाओ के पास शाओशान पहुँचती है और पूछती है तुम रोई। चाओ मना करती है और कहती है मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ। शान कहती है लूचैन की वजह से तुम दोनों यहाँ मिलते थे, मैं नहीं भूली, मुझे पता है तुम अपसेट इसलिए हो क्योंकि वो शादी करने जा रहा है ना, सब जानते हैं मिनशान के डिवोर्स को लेकर, इसलिए वो एम्बेरस और एंग्शियस है। फाइनली लूचैन उसके जाल में फंसी गया। जब से वो एंगेज हुई है और उसने दहेज पहुंचवाया है तब से वो जल्द से जल्द शादी करने की फिराक पे है। उसने सभी को बुलाया है तुम बच्ची हो गया, तुम अभी भी अपने फर्स्ट लव के लिए रो रही हो जिसे अब 10 साल हो गए हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी 18 की हो। चाओ कहती है तुम बहुत कुछ नहीं जानती। शान कहती है जब मैंने हाइडोंग से ब्रेकअप किया हमारे बीच सब क्लियर हो गया, तुम ब्रेकअप पे ऑलरेडी ही बहुत रो चुकी हो, सबका फर्स्ट लव होता है, अगर हम उसी पे टिके रहे तो मूव ऑन कैसे करेंगे। चाओ कहती है मैं भूखी हूँ। शान कहती है चलो मैं कुछ खिलाती हूँ। चाओ अपनी कार की शान को देती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।